नमस्कार तथ्य में आपका स्वागत है मैं हूं मनीष अवस्थी तथ्य में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम की सभा पर बावरिया गैंग की नजर तथ्य मुंबई में चोरी की वारदात को दिया गया है अंजाम लूट लिए गहने और पर्स तथ्य में मुंबई में पिछले महीने मीरा रोड में बाबा बागेश्वर धाम की सभा के दौरान धाम की सभा के दौरान कई लोगों के साथ हुई चोरी के मामले की जांच कर रही मीरा भयंदर पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है पुलिस की जांच में सामने आया है कि बाबा बागेश्वर की सभाओं पर बावरिया गैंग की नजर है और इसी गैंग ने मुंबई के कार्यक्रम के दौरान चोरी को अंजाम दिया था इस मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की सभाओं में जुटने वाले भक्तों का ध्यान जहां अर्जी लगाने पर रहता है तो वहीं दूसरी तरफ लाखों भक्तों की आड़ में एक ऐसा गिरोह भी छिपकर बैठा होता है जिनकी नजर भक्तों के कीमती सामान गहने और बटुओं पर रहती है बेहद खुंखार है बावरिया तथ्य यह गिरोह किसी आम चोर बदमाशों का नहीं बल्कि बावरियाओं का है जो बेहद खुंखार और आपराधिक मानसिकता वाले होते हैं इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब पिछले महीने मुंबई में बागेश्वर धाम की सभा में इस गिरोह के लोगों ने जमकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और फिर पुलिस की जांच शुरू हुई पुलिस की जांच में यह सामने आया कि बागेश्वर धाम की सभा में कई लोगों से चोरी करने के पीछे बावरिया गैंग का हाथ है 18 और 19 मार्च को बागेश्वर बाबा की हुई थी सभा तथ्य मीरा भयदर पुलिस के डीसीपी जैन बजबले ने यह बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया बारीकी से देखा गया तो कुछ लोग संदिग्ध नजर दिखाई दिए। सुरागों के आधार पर जब जांच की गई तो पता चला कि बाबा बागेश्वर की सभा में लोगों को चोरी का शिकार बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि बावरिया गैंग के ही लोग थे जो कि राजस्थान के रहने वाले दरअसल पिछले महीने 18 और 19 मार्च को मुंबई के मीरा रोड में बाबा बागेश्वर की सभा लगी थी इस सभा में शामिल होने के लिए राजस्थान से बावरियों की गैंग भी पहुंची थी जी हाँ राजस्थान से बिलोंग करती है ये गैंग सभा में महिलाओं ने वारदात को दिया अंजाम उस दिन की सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में बावरिया गैंग की ये महिलाएं यह महिलाएं भी है सभा के बाहर कार से उतर रही हैं यह महिलाएं भक्तों की भीड़ में छिप कर उनके गहने और दूसरे कीमती सामानों पर चालाकी से हाथ साफ कर देती हैं इसके आधार पर मीरा रोड पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से बावरिया गैंग के आठ लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें छह महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं, जबकि तेरह की तलाश जोर शोर से जारी है पुलिस के मुताबिक बावरिया गैंग महिलाओं को आगे करके अपराधों को अंजाम देता है ताकि किसी को शक न हो आखिर बावरिया गैंग कई आपराधिक वारदातों को देता है अंजाम जी हाँ बाबरिया मूल रूप से राजस्थान के ट्राइबल समुदाय यानी आदिवासी समुदाय से है लेकिन आज देश के कई हिस्सों में ये बसे हुए हैं बावरिया गैंग साल में आठ महीने चोरी लूट हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए देश भर में घूमता रहता है जी नोमैडिक कहते हैं जबकि बाकी चार महीने अपने अपने गांव में खेती व दूसरे घरेलू काम करता है इस गैंग की महिलाएं भी बेहद शातिर हैं, जो पलक झपकते ही गहने और बटुआ गायब कर देती हैं। इनके पूर्वज भी इसी तरह के अपराधों में लिप्त थे और नई पीढ़ी ने हत्या लूट चोरी जैसे अपराध को अपना रोजगार बनाया है तिरहत्तर लोगों के गहनों पर चोरों ने हाथ किया साफ तथ्य पुलिस के मुताबिक बाबरिया गैंग खुद को बागेश्वर धाम का भक्त बताकर उनके दफ्तर से धीरेन्द्र शास्त्री की देश में होने वाली सभाओं की जानकारी लेता है जानकारी मिलते ही यह गैंग अपनी तैयारियां शुरू कर देता है और अलग अलग गैंग बनाकर चोरी को अंजाम देने के लिए गाड़ियों से सभा वाले दिन पहुंच जाते हैं मुंबई में बागेश्वर धाम की दो दिनों की सभा के दौरान इस गैंग ने तिहत्तर लोगों के गहनों पर इस गैंग ने हाथ साफ कर दिया था आरोपियों के पास से सोने के कई बिस्किट बरामद हुए जो चोरी के गहनों को पिघाल कर बनाए गए फिलहाल पुलिस तेरह अन्य आरोपियों की तलाश में है जी हाँ तो आपने देखा बावरिया जी हाँ बावरिया गैंग जो कि राजस्थान से किस तरह से हाथ साफ करती है हाथ साफ जेब पर पर्स पर बटुए पर और महिलाओं के गहनों पर तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही आप भी सतर्क रहिएगा अगर भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं तो इस गैंग से सतर्क रहिएगा तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही नमस्कार